जितना पुराना होता है उतना ही खतरनाक होता है। इस हीरो को मैं दौड़ाऊंगा, घोड़ा भी हीरो बनेगा, पैसे भी वो लगाएगा। सैफ ने रेस 4 को लेकर क्या वो दिखाई देंगे फिल्म में? हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बॉलीग्रैड स्टूडियोज में। सैफ अली खान इस समय बॉलीवुड के साथ साथ ओटीटी पर भी ट्रेंडिंग स्टार्स में से एक है। तानाजी, भूत पुलिस, सीक्रेट गेम्स और तांडव जैसे प्रोजेक्ट्स का हिस्सा बनने के बाद से ही सैफ अली खान को दर्शकों की ओर से खूब प्यार मिल रहा है। हालांकि उनके पास कई बड़े प्रोजेक्ट्स हैं। अभिनेता से हाल ही में रेस 4 और भूत पुलिस के सीक्वल के बारे में पूछा गया था। सैफ अली खान ने इन प्रोजेक्ट्स को लेकर अपनी चुप्पी तोड़ दी है। एक इंटरव्यू में बात करते हुए सैफ अली खान से रेस फ्रेंचाइजी के फ्यूचर के बारे में पूछा गया। उनसे पूछा गया कि क्या वो रेस 4 का हिस्सा बनेंगे। उन्होंने कहा, भगवान जाने, मैंने इन चीज़ों के बारे में सोचना बंद कर दिया है। मैं सोच रहा था कि रेस के साथ क्या किया जा सकता है, क्योंकि सीक्वल बनाना बहुत मुश्किल है। आपको रमेश जी से पूछना चाहिए कि इस प्रोजेक्ट को लेकर उनकी क्या प्लानिंग है। मुझे नहीं पता कि रेस 4 बनती है या नहीं। हमें ये देखने की ज़रूरत है कि स्क्रिप्ट क्या है, और वैसे भी किसी ने मुझे रेस ऑफर नहीं की है। भूत पुलिस के सीक्वल के बारे में बात करते हुए सैफ अली खान को लगता है कि फिल्म में बहुत पॉसिबिलिटीज़ हैं, और उन्हें लगता है कि कोई भी इन लोगों को किसी भी रोमांच के तरीके पर भेज सकता है। उन्होंने कहा, मैं प्रोडक्शन के साथ बात करने का इंतज़ार कर रहा हूँ। भूत पुलिस फ्रेंचाइजी में वो फ्यूचर देख रहे हैं, और वो इस देश किस दिशा में ले जाना चाहते हैं वो तो वही जानते हैं। बताते चलें, सैफ अली खान रेस और रेस 2 का हिस्सा है, लेकिन रेस 3 में उन्हें सलमान खान ने रिप्लेस किया था। हालांकि ये फिल्म दर्शकों को कुछ खास पसंद नहीं आई थी। इसके बाद फैंस इंतजार कर रहे हैं कि रेस 4 में सैफ अली खान एक बार फिर लोगों के बीच अपना स्टारडम दिखाएं। तो दोस्तों, आप कितने एक्साइटेड हैं रेस 4 के बारे में? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और हाँ, आपके लिए खास चीज़, अगर आप भी सिनेमा के साथ जुड़ना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए जॉब लिंक पर क्लिक करें और इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फ़ायदा उठाएँ। तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल बॉलीग्रैड स्टूडियोज़।